आँखों में खून आना एक बहुत गंभीर समस्या है। ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली मिडल एज पेशेंट्स में, और आँखों में ब्लड आ जाता है और वो रिपीटेडली आ रहा है और वो उसकी केयर नहीं कर रहे हैं। उसके बारे में आज मैं बताऊंगा, क्योंकि इसको लापरवाही करना खतरनाक हो सकता है। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, सनाई हॉस्पिटल, मैं नेत्र सर्जन। आँखों में ब्लड आने की तीन वजहें हो सकती हैं बेसिकली। या तो आँखों में कोई चोट लग जाए, तो हमारी आंखों में वाइट पोर्शन के ऊपर जो ब्लड आता है उसकी बात हो रही है, जो कि सब कंजंक्टिवल हेमरेज कहा जाता है जिसको। अगर आपकी आंखों में हेमरेज आया है तो जैसे मैंने बताया तीन वजहों में, पहली वजह चोट लगना हो सकता है, दूसरी वजह आपका ब्लड प्रेशर का बढ़ा होना हो सकता है या ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, तीसरी वजह में अगर आपको कोई ब्लड थिनर्स चल रहे हैं या ब्लीडिंग कोई डिसऑर्डर है जिसमें कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं टाइमली हो रही है, वो भी एक वजह हो सकता है। तो अक्सर अगर रिपीटेडली आपकी आंखों में हेमरेज हो रहा है तो इसको लाइटली मत लीजिए। तुरंत अपनी आई टेस्ट कराइए पहले तो, जिससे कि ये पता लगे कि कोई और आंख के अंदर कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, केवल सरफेस पे ब्लीडिंग है, कोई विजन पे कोई इसका इफेक्ट तो नहीं है, कोई आंख उसकी वजह कारण तो नहीं है, कोई बीमारी आंखों की बीमारी उसकी वजह तो नहीं है, जैसे आजकल आई फ्लू फैला था उसमें भी सबकंजंक्टिवल हेमरेजेस हो रहे थे, तो वो रूल आउट होना जरूरी है। साथ में आपके ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। अक्सर पेशेंट्स कहते हैं कि सर हमने ब्लड प्रेशर चेक किया और हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल था और हम सो रहे थे और सुबह उठे तो हमें हेमरेज मिला। इसका मतलब जब आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं तो नॉर्मली हम जब चेक करते हैं ब्लड प्रेशर तो नॉर्मली हम कंफर्टेबल होते हैं, हम सिटिंग पोस्चर में होते हैं और हमारे ब्लड प्रेशर नॉर्मली जब हम चेक करते हैं तो वो नॉर्मल आते हैं। वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर उस वक्त का नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि मेरा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है फिर भी मेरे को आँख में हेमरेज आया तो ये इसकी वजह नहीं हो सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारा बेसल ब्लड प्रेशर क्या है, हमारा ब्लड प्रेशर एक्चुअल में क्या है। ब्लड प्रेशर 80-120 ब्लड प्रेशर एक एवरेज है जो लाखों लोगों के ब्लड प्रेशर को मेजर करके उनका एवरेज निकाला गया। किसी का 70-110 भी हो सकता है, किसी का 90-130 भी हो सकता है, ये भी नॉर्मल फिगर्स हो सकते हैं उस पर्टिकुलर पेशेंट पर्सन के लिए। अगर सपोज कोई पेशेंट है जिसका लो सेट ब्लड प्रेशर है, उसका ब्लड प्रेशर अगर 70 से बढ़ के अगर 80 हुआ है या वो 86 हुआ है या 90 हुआ है, तो ये ब्लड प्रेशर के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए आपका बेसल ब्लड प्रेशर क्या है ये जब आप रेगुलर चेक करेंगे तो पता लगेगा। अगर आप रेगुलर चेक कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर आपका दिख रहा है कि आपको में फ्लक्चुएट है, तुरंत इमीडिएटली किसी फिजिशियन से कंसल्ट करिए। साथ में नमक सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट करिए। सॉल्ट आपकी बॉडी में फ्लूइड को रिटेन करने में हेल्प करता है, रिटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर शूट अप होता है। और अगर आपको कोई ब्लीडिंग थिनर ब्लड थिनर्स आपके कोई चल रहे हैं तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से एक बार राय लेनी पड़ेगी, फिजिशियन से, कि ब्लड थिनर की क्वांटिटी को एडजस्ट करने की ज़रूरत तो नहीं है, और कुछ ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत है, क्या ब्लीडिंग, क्या क्लॉटिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है, ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम कितना है, कोई और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी के लक्षण भी हो सकते हैं। इसलिए अगर रिपीटेडली सब कंजंक्टिवल हेमरेज, आँखों में खून आना हो रहा है, लाइटली मत लीजिए, आई टेस्ट कराइए, फिजिशियन से कंसल्ट करिए, ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करिए, सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करिए, और फिजिशियन की गाइडेंस में कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं उनकी वो टेस्ट करा लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पसंद आएगा। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं वो पूछिए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, नमस्कार।